ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर बिहार के मुख्यमंत्री यूपी के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है, वहीं बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को हराने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की डिमांड हो रही है। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने की मांग कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। दरअसल यूपी जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश को यूपी की 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। यूपी जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद जेडीयू उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दी है। उत्तर प्रदेश के जेडीयू के कार्यकर्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री की चुनाव लड़े, इस बात की चर्चा है। तो पार्टी तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ें, फतेहपुर से चुनाव लड़ें, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ें, तो कई क्षेत्र है जहाँ से चुनाव लड़े कि उनकी उत्तर प्रदेश में चर्चा लोग चला रहे हैं। तो बिहार में जो काम हुआ है, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया अपनी सरकार में, उसको लेकर लोग वहाँ के उत्साहित हैं। और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, ख़ास करके जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं, और सभी समाज को यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभी समाज के लोग के लिए जो बिहार में काम हुआ है उससे लोग उत्साहित हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का हम यहाँ अभिनंदन करें, स्वागत करें, और आने वाले चुनाव में यहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़े, ये यहाँ के लोगों की चाहत है। श्रवण कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट के अलावा प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से भी नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए मांग उठ रही है। हालांकि इसका फैसला भी पार्टी को करना है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग पहली बार उठी हो। इससे पहले भी यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की मांग उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ता उठा चुके हैं। लेकिन इस बार केवल फूलपुर ही नहीं, 2 और लोकसभा सीटों से भी उनके चुनाव लड़ने की मांग उठ रही है। जेडीयू के अंदर से उठ रही इस मांग की टाइमिंग को लेकर भी सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की 2 बैठकों में शामिल हो चुके हैं। पटना और बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली। पटना में नीतीश मेजबान की भूमिका में थे, लेकिन बेंगलुरु में बैठक के बाद वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूर रहे। सियासी गलियारे में ये चर्चा भी है कि नीतीश कुमार यूपी में अपना असर दिखाकर विपक्ष के दूसरे सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हों। एक तरफ जहां जेडीयू यूपी में नीतीश की डिमांड बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश को सीधे चुनौती देने के लिए सामने आ गई है। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को बिहार की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। बिहार के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ लें, कोई ताकत इन्हें नहीं जिता पाएगा, ये डर कर भागने के लिए तैयार है। बिहार के किसी लोकसभा से ये चुनाव लड़ लें चुनाव नालंदा से, हिम्मत है तो बुरी तरह से हारेंगे। जितना अनाथ हुआ है, विधवा हुआ है, जिसकी रोटी छिनाई है, जिस शिक्षकों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके प्रतिभा के साथ, ये डरे हुए लोग हैं। डरे सहमे लोग अपनी राजनीति, दूर का ढोल सुहावन लागे वो हाल में बाहर जाना चाहते हैं। बिहार के कार्यकर्ता जहां भी जाएंगे, जाकर के इनके सच को उजागर करेगा। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से ठीक पहले नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने की जो चर्चा शुरू हुई है, वो आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्म होती है तो बहुत अचरज वाली बात नहीं होगी। 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद नीतीश कुमार कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, वह लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या 2024 के मिशन पर निकले नीतीश कुमार लोकसभा का अगला चुनाव वाकई लड़ने का मन बना रहे हैं। मिनी लंदन, मैक लुस्की गंज,
प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।